जय हिंद जय भारत। तो साथियों, आ गई है एक और न्यू वैकेंसी जो कि आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पूरी जानकारी के साथ समझाऊंगा ताकि आपको हर चीज समझ में आ सके और आप ऐसे कमेंट ना कर सके कि सर हमें इसके बारे में बताइए, हमें इसके बारे में, हमें इसके बारे में जानना है। नहीं, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ, संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आइए मेरे साथ, मैं मिस्टर बाबू आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ बानसूर रोजगार में। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं कि आपके लिए आज की जो नई भर्ती है वो कौन सी है। देखिए साथियों, ये है आईबी। क्या है दोस्तों? आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो भर्ती 2023। इसकी जो हिंदी है, चलिए होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे तभी हम आगे का चीज समझ में आएगा तुम्हें, है ना? पहले हम इसके बारे में जानेंगे। हमें पता ही नहीं है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या होता है, तो हम आगे का क्या पता कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले हम इसकी जानकारी ले लेते हैं। ये दोस्तों खुफिया एजेंसी होती है। क्या होती है दोस्तों? ये होती है खुफिया एजेंसी, जो कि इसको कह सकते हैं हम गुप्तचर कह सकते हैं इनको, है ना? इनको क्या कह सकते हैं दोस्तों? गुप्तचर कह सकते हैं। राजा महाराजा होते थे, उनके जो गुप्तचर होते थे तो उनको भेजते थे कि भाई जाओ उनकी सुन के आओ क्या कर रही है, क्या वार्तालाप चल रही है उनकी, वो जो अगली जो टीम है उसकी क्या वार्तालाप चल रही है। तो वो गुप्तचर होते थे, तो छानबीन थी वो लेकर और खुद के राजा को बताते थे कि भाई वहां पे तो ये चल रहा है। तो ऐसे ही ये भारत में खुफिया एजेंसी है ना? भारत में क्या है? खुफिया एजेंसी है जो कि गुप्तचर होते हैं और भारत की देख रेख करते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ क्या खराबी हो रही है, कुछ मामला गड़बड़ा तो नहीं रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या होते हैं? गुप्तचर होते हैं जो कि खुफिया एजेंसी में होते हैं, ठीक है? तो आइए देख लेते हैं कि भाई ऑनलाइन आवेदन कब से हो रही है, पद कितने हैं, है ना, वेतन क्या रहने वाला है, योग्यता क्या रहने वाली है। पूरी जानकारी के साथ यार आपके साथ शेयर करता हूं मैं, ठीक है? तो आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से कर लो, क्योंकि यूट्यूब पर आपको अदर और वीडियो आप देख लोगे ना, तो ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ना, ये जानकारी आपको देखने को नहीं मिलने वाली। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जितने भी भारत में भर्तियां निकलती हैं वो आप तक शेयर हो सके। चलिए देख लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन होंगे साथियों। आवेदन शुरू कब से हैं? देखिए 3 जून से स्टार्ट है, ठीक है? इसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 3 जून से भरे जा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट है 23 जून, यानी 23 जून तक इसमें फॉर्म आप भर सकते हो, ठीक है? पद का नाम क्या है साथियों? किस पद पर आप काम करोगे, यानी किस पद पर आप लगोगे, तो वो पद होता है जूनियर इंटेलिजेंस अधिकारी, है ना? क्या होता है? जूनियर इंटेलिजेंस अधिकारी का ये पद है, इस पर आप लगोगे, है ना? अब टोटल पदों की बात कर ले साथियों कि इसमें टोटल जो पद है वो कितने हैं। देखिए 797 इसमें टोटल पद है, है ना? अब ये सभी अलग अलग जातियों में बढ़ चुके हैं, देख लेते हैं। जर्नल के जो पद है वो है 325, यानी सभी ये जो 797 है ये सभी अलग अलग मतलब जाति में बढ़ चुके हैं। तो जर्नल में 325 पद हैं, एससी में 119 पद हैं, एसटी में 69 पद हैं, ओबीसी में 215 पद हैं और ईडब्ल्यूएस में 79 पद हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ये टोटल मिला के कितने हो गए? 797 पद हो चुके हैं, ठीक है? चलिए अब आयु की बात कर लें कि भाई आयु इसमें कितनी ले रहे हैं। तो देखिए 18 से 27 इसमें आयु मांग रहे हैं। अगर आपकी 17 वर्ष है ना तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो, और अगर आपकी 28 वर्ष हो चुकी है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है? आवेदन फीस देख लेते हैं, भाई फॉर्म फीस हमारी कितनी लगेगी, कितने पैसे लगेंगे। देखिए जर्नल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की जो फॉर्म फीस है वो है 500 रुपये। कितनी है साथियों? 500 रुपये है। बाकी सभी की कितनी है? 450 रुपये है बाकी सभी के लिए। बस इनको छोड़कर, जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को छोड़कर बाकी सभी की 450 रुपये है। आइए इधर देख लेते हैं, इसके वेतन की बात कर ले साथियों कि वेतन इसमें कितना है। तो देखिए 25,500 रुपये इसमें वेतन रहेगा महीने का, और फिर आगे आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है? आगे आपका बढ़ता रहेगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, ठीक है? बहुत ही मस्त नौकरी है। योग्यता की बात कर लें तो हमारे जैसे होते हैं लगने वाले, वो कितने पढ़े लिखे लगेंगे इसमें, चलिए देख लेते हैं। देखिए ग्रेजुएट के साथ कोई भी ये जो सब्जेक्ट है ये होने चाहिए। ये जो ग्रेजुएट है ना, ये ग्रेजुएट,
ये ग्रेजुएट 3-4 है ना ये सब्जेक्ट, इनके साथ ही होनी चाहिए ग्रेजुएट, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखिए ग्रेजुएट के साथ या तो कंप्यूटर विज्ञान होनी चाहिए, या फिर मैथ के साथ ग्रेजुएट होनी चाहिए, या फिर विज्ञान के साथ ग्रेजुएट होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए। ऐसे मतलब इनके साथ ये ग्रेजुएट होनी चाहिए, कोई एक के साथ, ऐसे नहीं सभी के साथ, नहीं, कंप्यूटर विज्ञान से हो या फिर ग्रेजुएट, ठीक है, कोई एक के साथ आप ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक की बात। चलिए अब देख लेते हैं चयन कैसे होगा आपका, चयन की बात कर ले। देखिए एग्जाम होगा आपका, है ना, कौशल परीक्षा होगी, यानी आपसे काम करवा कर देखेंगे भाई बढ़िया है कि नहीं है, गुप्तचर बढ़िया है कि नहीं है, मतलब अच्छी खबर लाता है कि नहीं, ध्यान रखता है कि नहीं, हर चीज की मतलब काम करवा लेंगे कैसा भी, जैसा इस भर्ती में जो काम होगा वैसे ही इनसे जो काम है वो करवाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू होगा भाई इसका, है ना, इंटरव्यू भी होगा, डॉक्यूमेंट्स आपके सभी वेरिफिकेशन होंगे, मतलब सभी डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छे होने चाहिए, सही होने चाहिए, कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, और आपका मेडिकल होगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल इंटरव्यू, ठीक है, मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा, और एग्जाम होगा, और कौशल परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, ये सभी से आप चयन कर सकते हो, चयन होगा आपका इन सभी से, और आपके आवेदन फॉर्म जल्दी से अभी स्टार्ट ही हुए हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भर सकते हो इसमें। ठीक है, तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया हूँ, बिल्कुल आसानी से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, तो आशा करता हूँ मैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए साथियों, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं वो आपके साथ शेयर हो जाती हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट भर्ती में और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।